विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों का विधिवत ज्वाला माँ पूजन का समापन किया गया। इन अश्विन नवरात्रों में दुर्गा माँ की विशेष पूजा की जाती है। ज्वालामुखी पहुंचने पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति का एसडीएम अंकुश शर्मा व मंदिर अधिकारी बिशन दास ने स्वागत किया। इस अश्विन नवरात्रे में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों का विधिवत ज्वाला माँ का पूजन कर समापन किया गया। इन अश्विन नवरात्रों में दुर्गा माँ की विशेष पूजा की जाती है। ज्वालामुखी पहुंचने पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति का एसडीएम अंकुश शर्मा व मंदिर अधिकारी बिशन दास ने स्वागत किया। इन नवरात्रों के समापन के अवसर पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति व एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने मां का विधिवत पूजन किया। इन अश्विन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। इन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ के ज्योतियों के दर्शन किए और माँ के जयकारे भी लगाए और बाद में कन्या पूजन भी किया। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा, पुजारी मधुसूदन व पुजारी सौरभ शर्मा ने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति को माँ की चुनरी व माँ का प्रतीक भेंट किया। उन्होंने माँ के दर्शनों के बाद लंगर में सभी श्रद्धालुओं के साथ बैठकर माँ का प्रसाद ग्रहण किया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उन्होंने कहा कि नवरात्रों व दशहरे की कांगड़ा वासियों व देश व प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। मंदिर न्यास की तरफ से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनको नवरात्र की शुभकामनाएं, कल दशहरा है उसकी शुभकामनाएं और साथ ही साथ पूरे कांगड़ा वासी पूरे देश वासियों को शुभकामनाएं। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने कहा कि अश्विन नवरात्रों का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। इन नवरात्रों के समापन पर ज्वाला माँ का पूजन और हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इन नवरात्रों में सातवें नवरात्रे तक श्रद्धालुओं द्वारा 60 लाख रुपए सोना, 40 ग्राम और चांदी 5 किलो ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित की गई। इन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। कन्या पूजन और हवन के साथ अश्विन नवरात्रों का समापन हुआ है। इन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे ज्वाला जी शक्तिपीठ में अपना माथा टेका है, अपनी हाजिरी लगाई है और ये सारा आयोजन नवरात्रों का मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से काफ़ी शांतिपूर्वक इसका आयोजन हुआ है। इसके दौरान लगभग 60 लाख रुपया कैश, 5 किलोग्राम चांदी और 40 ग्राम सोना चढ़ावे के रूप में यहाँ पर चढ़ाया गया है। मैं सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस संदर्भ में पुजारी शैलेश शर्मा ने कहा कि इन अश्विन नवरात्रों का समापन हवन और कन्या पूजन के साथ किया गया। इन नवरात्रों का समापन के अवसर पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने ज्वाला माँ का विधिवत पूजा अर्चना कर की। मंदिर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ज्वाला माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। इन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने मां की पवित्र ज्योति के दर्शन किए और जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं ज्वाला मां से प्रार्थना करता हूं कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो। आज अश्विनी मां के नवरात्रों का जो है आज ज्वालामुखी मंदिर में विधिवत समापन हुआ है। इसमें एसडीएम ज्वालामुखी जो है उन्होंने जो है इसका विधिवत समापन किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इन नवरात्रों में यहाँ पे आए हैं और मंदिर प्रशासन पुजारी वर्ग और सब शहरवासियों की तरफ से बहुत बढ़िया इंतजाम हुए हैं। इसमें भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है और माता के जय जयकार हुई है। वक्त चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।